गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चरर, GWPC अजमेर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स के बारे में मैंने जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको लोन और कैलिको के बारे में बताया था। देखिए स्टूडेंट्स, आप चूंकि फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स के बारे में जानकारी का होना अति आवश्यक है। हमारे कोर्स में MTS सब्जेक्ट में हम इसीलिए बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स के बारे में जानकारी देते हैं। उसी से रिलेटेड एक और नया फैब्रिक टाइप, वो है पॉपलिन। पॉपलिन बहुत कॉमनली यूज़ किया जाने वाला कपड़ा है आज के समय में। पॉपलिन आप और हम सब ने देखा हुआ है, आपने एज अ स्टूडेंट भी उसको देखा हुआ है और यूज़ किया हुआ है। तो पॉपलिन प्लेन वीव से बना हुआ एक मोस्ट कॉमन कपड़ा है, जो कि रिब्ड सरफेस टेक्सचर में मिलता है। पॉपलिन को बनाने का जो तरीका है, वो इसको बहुत वर्सेटाइल फैब्रिक बनाता है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टेक्सटाइल मिल्स इसको बनाते समय नंबर ऑफ वार्प यार्न्स या टाइप ऑफ फाइन वार्प यार्न्स तो वही रखती हैं, पर वेफ्ट यार्न का जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, वो कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से, कस्टमर की मांग के हिसाब से चेंज कर सकती हैं। फैब्रिक वेट जो होता है, वो टॉप वेट से लेकर, हाई वेट से लेकर मीडियम वेट तक होता है। और इस कपड़े का यूज़ जनरली शर्ट्स, ब्लाउजेस, बॉटम्स, जैकेट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स आदि बनाने में किया जाता है। पॉपलिन आर मोस्ट लाइकली ब्लेंडेड फैब्रिक्स विद द वार्प यार्न वन फाइबर कंटेंट एंड द लार्ज वेफ यार्न अनदर फाइबर कंटेंट। पॉपलिन जो है, उसमें बहुत से ऐसा कपड़ा है जिसमें बहुत से फाइबर्स के साथ ब्लेंडिंग की जाती है। उसमें नंबर ऑफ वार्प यान और वेफ यान भी बदले जाते हैं और क्वालिटी ऑफ वार्प और वेफ भी चेंज की जा सकती है। इससे इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी आ जाती है। अब इसके बारे में और क्या बातें हमें इम्पॉर्टेंट दिखती हैं, कि विजिबल हॉरिजॉन्टल रिब टेक्सचर दिखाई देता है। स्टिफ हैंड डिपेंडिंग ऑन द यान साइज एंड फाइबर कंटेंट इन वेफ डायरेक्शन। इसको छूने पर आपको थोड़ा सा स्टिफ हैंड, थोड़ा सा कड़क कपड़ा आपको महसूस होता है। इसकी मजबूती की बात करें, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो ये क्रिस्पी हैंड होता है, थोड़ा सा कड़क लगता है। और इसमें क्योंकि नायलॉन के साथ ब्लेंडिंग की जाती है, तो उससे स्टिफनेस ज़्यादा आ जाती है। काफ़ी मजबूत कपड़ा होता है, बड़ा आसानी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल इन मैनी फाइबर कंटेंट एंड प्राइजेस। यह हमें मार्केट में आसानी से उपलब्ध होने वाला कपड़ा है, जिसमें फाइबर्स के कंटेंट में वैरायटी मिलती है और प्राइसेस में भी वेरिएशन मिलता है। और इसको देखने पर इसमें रिब टेक्सचर का इफ़ेक्ट दिखाई देता है। इसमें इसकी कुछ कमियां की बात करें, कि कॉटन फाइबर फैब्रिक जो है होता है, इसमें जब कॉटन ज़्यादा होता है तो आसानी से सल पड़ जाते हैं, और रिब सरफेस जो होती है उस पर घिसाव का जो एब्रेशन की रिजल्ट्स भी दिखाई देते हैं। इसके फाइबर कंटेंट की बात करें, कि इसमें 55% कॉटन और 45% नायलॉन। 55% कॉटन वेफ्ट यार्न्स में और 45% नायलॉन वार्प यार्न्स में यूज़ किया जाता है। तो उससे जो कपड़ा तैयार होता है, वो थोड़ा सा लाइटर फैब्रिक होता है और जैकेट, शर्ट्स और ट्राउजर्स में यूज़ किया जाता है। अब 55% पॉलिस्टर और वेफ्ट में और 45% वार्प में जब यूज़ किया जाता है, तो उससे जो कपड़ा तैयार होता है, उससे आउटर वियर ड्रेसेस बनती हैं। 100% पॉलिस्टर से भी पॉपलिन बनता है, उससे आउटर वियर ड्रेसेस बनती हैं। 100% नायलॉन से बनता है, तो भी आउटर वियर ड्रेसेस बनती हैं। 100% कॉटन से बनता है, तो भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नायलॉन कॉटन पॉपलिन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फैब्रिक फॉर मैंस कैजुअल जैकेट एंड ट्राउजर्स। ये अब इसमें नायलॉन कॉटन की जो कॉम्बिनेशन से कपड़ा बनता है, तो ये बहुत मजबूत कपड़ा बनता है और कैजुअल जैकेट्स और ट्राउजर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चूंकि नायलॉन का जब ब्लेंडिंग की जाती है, तो इससे कपड़ा आसानी से सूखता है।
इस तरह से हमने देखा कि पॉपलीन एक मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला कपड़ा है और इसकी बहुत सी खासियतें हैं और इसकी खासियतों के कारण ही ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है और लोग बाग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पॉपलीन के बाद एक और डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक की बात करेंगे, वो है चेक्स एंड प्लेट्स। चेक्स आपने सबने देखे हुए हैं, तो ज्योमेट्रिक इमेजेस प्रोड्यूस इन मल्टी कलर इन फैब्रिक्स आर जनरली कॉल्ड आइदर अ चेक और प्लेट। जो ज्योमेट्रिक इमेजेस लाइनों के द्वारा बनती हैं कपड़े पर, वो मल्टी कलर में हो सकती हैं, दो रंगों में भी हो सकती हैं, वो या तो चेक कहलाती हैं या प्लेट कहलाती हैं। अब इसको आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि चेक फैब्रिक्स आर जनरली इन टू कलर्स एंड प्लेट्स आर थ्री और फोर कलर विद अ मोर इंट्रिकेट यूज ऑफ कलर एंड स्पेसिंग। देखिए, चेक जो है जनरली दो रंगों में होते हैं और उनका साइज छोटा होता है, जबकि प्लेट्स जो है वो तीन या चार रंगों में बने होते हैं और उनमें जो चेक दिखाई देता है वो जो है वो उसमें स्पेसिंग ज़्यादा होती है, तो वो बड़े बड़े से चेक्स हमें देखने में दिखाई देते हैं। इनको आसानी से समझने का मेन पॉइंट यही है। बोथ टाइप्स ऑफ डिज़ाइन आर क्रिएटेड बाय डाइड यार्न एंड वीविंग दैम इन टू फैब्रिक्स टू क्रिएट द चेक और प्लेट। दोनों तरह के डिज़ाइन जो होते हैं वो डाइड यार्न, रंगे हुए यार्न्स के द्वारा बुनाई करके बनाए जाते हैं। टुडे चेक्स एंड प्लेट्स कैन बी प्रोड्यूस एज अ प्रिंटेड इमेज ऑन एनी फैब्रिक क्रिएटेड यूजिंग अ क्रॉस डाइड मेथड। अब जनरली तो ये चेक्स जो होते हैं वो वीविंग से बनते हैं, पर आज के ज़माने में, आज के समय में इन प्लेट्स को हम प्रिंटिंग इमेज की तरह भी कपड़े के ऊपर बना करके क्रॉस डाइंग मेथड से कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ट्रेडिशनली यार्न डाइड फैब्रिक इंक्लूडिंग मद्रास प्लेट्स विच वर डेवलप्ड लॉन्ग अगो इन इंडिया आर स्टिल प्रोड्यूस इन लो कॉस्ट लेबर कंट्रीज। प्राचीन समय में यार्न डाइड फैब्रिक्स में मद्रास चेक या मद्रास प्लेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इंडिया में बनाए जाते थे, आज भी वो बन रहे हैं और कुछ उसकी कॉस्ट कम होती है तो ये सस्ते फैब्रिक की ज़्यादातर है यूज़ किया जाता है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के चेक्स और प्लेट्स का फोटो दिखाया हुआ है, उनको आप देख कर समझ सकते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है। यार्न डाइड फैब्रिक्स का इस्तेमाल जनरली मैंस ड्रेसेस की शर्ट्स, मैंस ड्रेसेस में किया जाता है, जनरली शर्ट्स बहुत ज़्यादा बनती हैं, विमेंस वेयर में भी यूज़ किया जाता है। डिज़ाइनर्स टिप्स की बात करें तो देखिए, जब आप बना रहे हैं या आप चेक्स के साथ जब काम कर रहे हैं, तो आपको उनको चेक्स एंड प्लेट्स मस्ट बी मैच एट द सीम लाइन टू अवॉइड विजुअल कन्फ्यूजन इन गारमेंट डिज़ाइन। जब भी आप इनको इस्तेमाल करते हुए ड्रेसेस बना रहे हैं तो उनका जो मैचिंग पॉइंट्स होता है उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो चेक्स की डिज़ाइन ऊंची नीची हो करके आपके गारमेंट के लुक को बिगाड़ सकती है। डाइंग यार्न फर्स्ट बिफोर मेकिंग इट इन टू फैब्रिक विल इम्प्रूव कलर फास्टनिंग। कई बार ऐसा लगता है कि चेक फैब्रिक जो है वो डाई फेड हो गया, तो इसका इलाज ये है कि हम डाइंग यार्न यार्न को पहले, वीविंग से पहले ही अगर डाई कर लिया जाए तो उससे कलर फास्टनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये आज मैंने आपको बताया पॉपलिन और चेक्स और प्लेट्स के बारे में। आशा करती हूँ आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।